तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये कहते हैं कि मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्स है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्स है, ठीक ना। और जो सोल्यूशन है वो भी किलोहर्ट्स में है, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ यूज टू मॉडुलेट, मतलब इसका मॉडुलेशन हो रहा है, जिसका कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्स है, तो जो कैरियर वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्स है, समझ रहे ना। तो 2 मेगाहर्ट्स, मेगा मतलब होता है 10 की पावर, समझ रहे, 2 मेगाहर्ट्स है, तो 2 मेगा मतलब 10 की पावर/6 हर्ट्स, ठीक है। अब किलो में करोगे तो 2000, यहाँ से देख रहे हो 3 जीरो इधर आ जाएगा और यहाँ से तुम किलो हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो किलो में दिया हुआ है, इसलिए सारी फ्रीक्वेंसी मैं किलो में लिख लिया, ये भी किलो में लिख लिया और ये भी किलो में लिख लिया, ठीक है ना। तो ये बात भाई फार्मूले बेस्ड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ लगाना होगा वहाँ लगाना, ठीक है। तो बैंड विथ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, तो बैंड विथ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बैंड विथ ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल, मतलब रिजल्टेंट सिग्नल मतलब ये होता है जो मैसेज सिग्नल है और कैरियर वेव है, उसके सुपर पोजिशन के बाद जो बैंड विथ है, मतलब तो कैरियर वेव प्लस मैसेज सिग्नल और यहाँ से माइनस कैरियर वेव और माइनस मैसेज सिग्नल, ये अगर ये फार्मूला याद है तब आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो यहाँ से जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से 2000 2000 प्लस 5 और माइनस यहाँ से 2000 माइनस 5, यहाँ से बेसिकली, तो 2005 मतलब 2000 यहाँ से 5 और माइनस यहाँ से 1995 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये सॉरी, जब ये घटाओगे तो ये 10 किलो हर्ट्स आ जाएगा यहाँ से। तो बैंड विथ 10 किलो हर्ट्स, मतलब यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो फालतू दिए हुए हैं, गलत है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।